सो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको VSNL की लेटेस्ट टेपिन सेटिंग बताने वाला हूँ, जो कि आज की लेटेस्ट टेपिन सेटिंग होने वाली है। तो अगर आपके पास भी BSNL की सिम और आपको उसमें इंटरनेट इशू है या 3G इशू आ रहा है, उसमें आपका 4G नहीं चल रहा है, तो आज वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। सबसे पहले करना क्या होगा आपको, जो आपकी BSNL की सिम है उसको स्लॉट वन में डाल लेंगे। स्लॉट वन में डालने के बाद फिर आपको सेटिंग में चले जाना है। मैं अभी जो मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ वो रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स है। फिर आपको सेटिंग में जाने के बाद आपको सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क में चले जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको उसमें BSNL की सिम में आपको चले जाना है। सिम वन में डाली हो आपने, ट्यूब डाली हो, तो आपको फिर एक्सेस पॉइंट नेम में चले जाना है। एक्सेस पॉइंट नेम में जाने के बाद आपको नीचे राइट साइड में रिसेट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको रिसेट कर देना है। रिसेट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पे दबा लेना है, और यहाँ पे फिर आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। पेज खुल जाने के बाद फिर आपको करना क्या होगा, नेम में चले जाएंगे। नेम में जाने के बाद आपको लिखना होगा BSNL स्पेस XCTU स्पेस AEXON। ओके कर देंगे इसको। फिर आपको APN में चले जाना, और यहाँ पे भी ये लिखेंगे EAEXON.85। ओके कर देंगे इसको। फिर आपको प्रॉक्सी को नहीं छेड़ना, पोर्ट में चले जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 8080। ओके कर देंगे इसको। फिर आपको यूजर नेम में चले जाना और यहाँ पे लिखेंगे BSNL स्पेस इंडिया। ओके कर देंगे इसको। फिर आपको पासवर्ड नहीं छेड़ना है, फिर आपको डायरेक्ट सर्वर में चले जाना और यहाँ पे लिखेंगे www.google.com। ओके कर देंगे इसको। MMS प्रॉक्सी MMS पोर्ट MCC MNC हमारा एरिया कोड होता है। आपका एरिया कोड है वो अलग होगा, मेरा एरिया कोड जो है वो बिल्कुल अलग है। आप इसको सेम टू सेम ना करें, ठीक है, तो फिर आपका जो इंटरनेट है वो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। फिर आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेशन टाइप में जाएंगे, यहाँ पे PAP और CHAP भी ओके कर देंगे, और APN टाइप में जाएंगे, ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखना आपको, default:SUPL:NET:XCAP। ओके कर देंगे इसको। फिर आपको क्या करना है, APN प्रोटोकॉल में जाएंगे और यहाँ पे IP4/IPv6 कर देंगे। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी हम ऐसे ही करेंगे सेम टू सेम। और फिर आपको क्या करना है, बैरियर में चले जाना है। बैरियर में जाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें मैं जो जो आपको बोलता हूँ खाली आपको वो करना है। इसमें LTE HSPAP HSPA HSUPA HSDPA, फिर आपको GPRS पे कर लेना है, फिर आपको करना है 1XRTT पे और NR, और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको 3 डॉट पे जाके इसको सेव कर लेना है। जो हमारी APN है वो क्रिएट हो चुकी है, लेकिन इसका यूज़ कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन कर लेना है, और दोबारा यहीं पे जो आपने APN क्रिएट किया है वहाँ पे जाके इसको ओके करके आपको जो APN है वो क्रिएट कर लेनी है, और वो ओके कर देना और इंटरनेट का यूज़ करना है, जिससे आपका जो इंटरनेट है वर्क करने लगेगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।